हेलो माय लवली चिल्ड्रेन बच्चों आज वो घड़ी आ गई है जिसका आप और हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि इस बार आखिर एग्ज़ाम्स होने कैसे वाले हैं कितने नंबर के क्या आने वाले हैं तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने बच्चों बता दिया है नया पैटर्न हमारे एग्ज़ाम का 2021 का तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का इंग्लिश का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न और रिवाइज सिलेबस इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से लेसन हमारे कट चुके हैं डिलीट हो चुके हैं और कौन से लेसन पेपर के अंदर आने वाले हैं तो चलिए जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हमें बता दिया है कि पेपर कैसा होने वाला है तो आप ध्यान से सुनेंगे ताकि उसके अनुसार अपनी आप तैयारी कर सकें सबसे पहले बच्चों बोर्ड ने हमारे इंग्लिश के पेपर को दो पार्ट्स में बांट दिया है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए फोर्टी मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी फोर्टी मार्क्स का होगा टोटल अस्सी मार्क्स का पेपर होगा एटी मार्क्स का तो पार्ट ए जो पहला पार्ट ए है बच्चों फोर्टी मार्क्स का वो सारा एम सी क्यूज बेस्ड है और जो पार्ट बी है फोर्टी मार्क्स का उसमें आपको लिखना पड़ेगा ठीक है थेटिकल है वो तो पार्ट ए की बात करते हैं जो फोर्टी मार्क्स का है और एम सी क्यूज़ बेस्ड है तो सबसे पहले बच्चों आपको मिलेंगे टू अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेजेस कॉम्प्रीहेंशन के लिए दो मिलेंगे बच्चों पांच पांच नंबर के टोटल हो गए हमारे दस मार्क्स फिर बच्चों हमारा ग्रामर पार्ट आएगा जिसमें ये टॉपिक्स आपके आएंगे और टोटल एटीन सेंटेंसेस आएंगे उनमें से आपको कोई भी फिफ्टीन करने होंगे तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं पंचुएशन आर्टिकल्स टेंसेस, मॉडल्स टोटल बच्चों तीन तीन हरेक टॉपिक के आएंगे टोटल एटीन सेंटेंगे जिसमें से आपको फिफ्टीन करने होंगे तो हमारा ग्रामर का पोर्शन हो गया marks. फिर बच्चों हमारी पहली बुक मेन रीडर फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से तीन सीन पैसेजेस आएंगे देखे हुए आएंगे के के आपके तीन और आपको कोई दो अटेम्प्ट करने होंगे और वो पांच और पांच दो होंगे ना फाइव फाइव मार्क्स के होंगे टोटल हो गए हमारे टेन मार्क्स बच्चों वन सीन पैसेज फ्रॉम पोएम्स इसी बुक के अंदर जो पोएम्स हैं उनमें से एक पैसेज आएगा और वो भी एम बेस्ड होगा और वो भी होगा पाँच नंबर का और यहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया है जो हो गया है फोर्टी मार्क्स का जो होगा एम बेस्ड अब हम चलेंगे पार्ट बी की ओर राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके ये टॉपिक रहेंगे एप्लीकेशन लेटर जो कि पाँच नंबर का आएगा एडवर्टीजमेंट्स रिपोर्ट्स स्टोरी राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन ये बच्चों पाँच मार्क्स का इनमें से एक टॉपिक आएगा तो दो, दो टॉपिक आएंगे फाइव फाइव मार्क्स के राइटिंग सेक्शन हो गया हमारा टेन मार्क्स का बच्चों फिर इस फर्स्ट फ्लाइट हमारी मेन रीडर जो बुक है उसमें से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा पांच नंबर का और इसी बुक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे टू इंटू फोर इजिकल टू एट मार्क्स चार क्वेश्चन दो दो नंबर के जो हो जाएंगे आठ नंबर के पोएम्स के अंदर से बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे थ्री इंटू टू इजिकल टू सिक्स कोई तीन क्वेश्चन छह मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे तीन तीन क्वेश्चन दो नंबर के सेकेंड बुक हमारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट इसमें से बच्चों एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा पाँच नंबर का और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे टू इंटू थ्री इज इक्ल टू सिक्स छः नंबर के आएंगे बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब बच्चों बात कर लेते हैं रिवाइज सिलेबस की क्या हमारे आने वाला है पेपर में क्या डिलीट हो चुका है तो पहले हमारी मेन रीडर की बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट लेसन वन अ लेटर टू गॉड दो पार्ट मेंस्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन एंड फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एंड फ्रेंक एंड फिफ्थ एंड सिक्स लेसन द हंड्रेड ब्रेसेस पार्ट वन एंड पार्ट टू बच्चो ये सारे लेसन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर सेवेंथ लेसन ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया जो टीप थ्री पार्ट में डिवाइड है एथ लेसन कट गया है बच्चों मिजबिल द ऑटर ये डिलीट हो गया है नाइन्थ लेसन आएगा मैडम राइट टेंथ बनारस एंड द प्रपोजल तो यानी कि फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर से हमारा एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है जो है मिजबिल द ऑटर पोएम्स रहेंगे बच्चों पहली डस्ट ऑफ स्नो फायर नाइस अ टाइगर इन द जू पहली तीन पोएम्स आएंगी फोर्थ पोएम बच्चों डिलीट हो गई है हाउ टू तो टेल वाइल्ड एनिमल्स फिफ्थ पोएम द बॉल पोएम आएगी पेपर के अंदर सिक्स्थ एमेंडा सेवेंथ एनिमल्स ये दोनों पोएम्स भी आएंगे बच्चों एट्थ और नाइन्थ पोएम डिलीट हो गई हैं द ट्रीज एंड फॉग टेंथ पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन आएगी और इलेवेंथ पोएम फॉर एन ग्रेगरी डिलीट हो गई है तो पोएम हमारी टोटल डिलीट हुई है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द ट्रीज फॉग एंड फॉर एन ग्रेगरी फोर पोएम्स हमारी सिलेबस के अंदर से डिलीट हो गई हैं सप्लीमेंट्री रीडर की बात करते हैं बच्चों फट प्रिंट्स विदाउट फीट फर्स्ट लेसन अ ट्राइम ऑफ सर्जरी आएगा द थीफ स्टोरी भी आएगा थर्ड और फोर्थ लेसन बच्चों डिलीट हो गए हैं द मिड नाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे फिफ्थ लेसन आएगा बच्चों फुट प्रिंट्स विदाउट फीट जिसके ऊपर इस बुक का नाम लिया गया है सिक्सथ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट भी आएगा सेवेंथ द नेकलेस हैक ड्राइवर और नाइन्थ बुक है वो डिलीट कर दिया गया है तो इस बुक के अंदर से हमारे तीन लेसन डिलीट हुई है, बच्चों द मिड नाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट द बुक दैट सेव अर्थ तो ये हमने डिस्कस कर लिया है एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है पार्ट ए 40 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पार्ट टू 40 मार्क्स में आपको लिखना पड़ेगा और टॉपिक्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं रिवाइज सिलेबस भी बता दिया है जो डिलीट हो गए हैं उनको आप तैयार ना करें जो डिलीट नहीं है उनकी आप तैयारी शुरू कर दें बच्चों एग्जाम्स नियर हैं ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स होपफुली आप बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर एग्जाम्स को क्लियर करेंगे यू ऑल में कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स अच्छा इस तरह की हमारे सारे सिलेबस की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर सारे लेसन्स एम सी क्यूज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन समरी सभी लेसन्स की सभी पोएम्स की ग्रामर टॉपिक की राइटिंग स्किल की इवन अनसीन पैसेजेस भी वहाँ पर मैंने इंक्लूड की हैं तो ज़रूर सर्च करें पूजा शर्मा और आपको सारे के सारे लेसन्स मिल जाएंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें थैंक यू चिल्ड्रेन ऑल द वेरी बेस्ट सी इन नेक्स्ट वीडियो